दोस्तों, उर्दू हिंदी ग्रामर के सिनोनियम्स का ये हमारा नवा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम मुतारादिफ पर बात करेंगे। मुतारादिफ यानी पर्यायवाची। इस वीडियो के लिए भी हमने हमेशा की तरह 20 ऐसे अल्फाज चुने हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं। पर्यायवाची या मुतारादिफ बताने के साथ साथ हम उस लफ्ज़ की तफसील भी आपको बताते चलेंगे कि उस लफ्ज़ की तस्कीर व तानीस पर भी बात करेंगे। अगर वो लफ्ज़ एडजेक्टिव है तो भी हम आपको बताएंगे और अगर वो वर्ब है तो किस तरह का वर्ब है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लफ्ज़ लिया है वो है डस्ट। डस्ट का मतलब है गर्द या खाक। हिंदी में हम इसे मिट्टी या धूली या धूल भी कहते हैं और ये चारों अल्फाज फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। अगला लफ्ज है मेलोडी। मेलोडी का मतलब हम लहन भी कहते हैं, सुरीली आवाज भी कहते हैं, जो कि दोनों फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर सुरीली आवाज के लिए एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं स्वर माधुर्य, यानी सुरीली आवाज, स्वर जिसका मधुर है या मधुर स्वर में जो बात करता है। स्वर माधुर्य है मैस्कुलिन नाउन और लय है फेमिनिन नाउन। फिर है एब्सर्ट। एब्सर्ट का मतलब है लघु या मोहमल, निरर्थक या अनर्गल, यानी ऐसी बात, ऐसे अल्फाज जिनका कोई मतलब नहीं है, बेकार की बातें, बेकार के अल्फाज, और ये सब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर है वर्ड, लफ्ज या हर्फ, अक्षर या शब्द। ये चारों अल्फाज मैस्कुलिन नाउन हैं। फिर है लाइक या अलाइक। इसका एक मुतरादिफ है उर्दू में मिस्ल और दूसरा है मानिंद, यानी मिस्ल और मानिंद दोनों एडजेक्टिव हैं। हिंदी में अगर हम इसका तर्जुमा करेंगे तो होगा समान रूप से या प्रतिरूप। फिर है बिजी या एब्जॉर्ब्ड, महो या मुनहमिक, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। व्यस्त या तल्लीन, और ये दोनों भी हिंदी में एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। फिर है प्रेज, मदा, तारीफ, प्रशंसा और गुणगान। तो मदा और तारीफ और प्रशंसा तीनों फेमिनिन नाउन हैं, जबकि गुणगान मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। फिर है ब्रेन, मगज, दिमाग, मस्तिष्क, और हिंदी में या आम बोलचाल में हम इसे भेजा भी बोलते हैं, और ये चारों मैस्कुलिन नाउन हैं। फिर है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब है मना, ममनू, वर्जित या निषिद्ध। तो मना क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ममनू मैस्कुलिन नाउन है, वर्जित और निषिद्ध ये भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। फिर है काइंडनेस, मेहर, मेहरबानी, अनुकंपा और कृपा, ये चारों अल्फाज एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं हिंदी और उर्दू में। इन ऑस्पिशियस, नहस, नामसूद, अशुभ, अमंगलकारी, ये चारों अल्फाज भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं हमारी जबान में। फिर है प्रेजेंटेशन, नजर जिसे हम बोलते हैं, पेशकश बोलते हैं, प्रस्तुति या अर्पण। अब नजर, पेशकश और प्रस्तुति तीन अल्फाज ऐसे हैं जो कि फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि अर्पण ये मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। फिर है सॉफ्ट, नरम, मुलायम, सौम्य और कोमल, चारों अल्फाज एडजेक्टिव हैं। डाइन यानी मरता हुआ, इसे हम नजा बोलते हैं, नजा की हालत है, मौत का वक्त है उसका इक्विवेलेंट या पर्यायवाची या मुतारादिफ, मृत्यु समय मरने वाला। फिर है जेनरेशन, नस्ल या औलाद, और इसके हिंदी के पर्यायवाची हैं संतान या पीढ़ी, और ये चारों लफ्ज जो भी हैं, नस्ल, औलाद, संतान, पीढ़ी, ये फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर है अरेंजमेंट, नज्म, इंतजाम, व्यवस्था और प्रबंध। तो इसमें से नज्म
इंतजाम और प्रबंध ये तीनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि व्यवस्था फेमिनिन नाउन के तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर है सोल, नफ्स, रूह। तो इसमें फर्क थोड़ा सा जो हमने इक्वलेंट दिए हैं वो ये हैं, नफ्स का मतलब है अंतरात्मा, जो हमारी अंतरात्मा है वो हमारे नफ्स है। रूह क्या है? आत्मा है। तो नफ्स मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि रूह, आत्मा और अंतरात्मा फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर है प्रॉफिट, नफा, फायदा, हित, लाभ। और ये चारों अल्फाज मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं हमारी जबान में। फिर है प्रेजेंट, मौजूद, हाजिर, उपस्थिति, उपस्थित और वर्तमान। तो ये सब एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। फिर है एक्सटेसी, जिसका मतलब है वज्द, बेखुदी, हर्षोन्माद और परमानंद। अब एक बात आप जरूर याद रखिए कि जो लफ्ज वज्द हम इस्तेमाल करते हैं परमानंद के लिए, वो सूफिज्म से जुड़ा हुआ है। यानी जब आप खुदा को या ईश्वर को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, चारों तरफ उसी खुदा का नूर, उसी ईश्वर का जलवा दिखाई देता है, वो है वज्द। और बेखुदी भी उसी आलम से जुड़ा हुआ है। तो हर्षोन्माद और परम आनंद, वज्द, परमानंद और हर्षोन्माद मैस्कुलिन नाउन है, जबकि बेखुदी फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। उम्मीद है कि आप इन अल्फाज को याद करेंगे, बल्कि अपनी आम बोलचाल में इसको लाएंगे, और आपके कमेंट्स का या वीडियो पर जो भी आपकी राय है उसका हमें इंतजार रहेगा कमेंट्स बॉक्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।